이게 본격적인 개폐시카 테리토럼스 파이널 교란이 되어가는 모기계란이 미나기입니다. 그래서 last time we have seen in NI theorem and NOI theorem. 그럼 NI는 report 대학 때에서 하고요. NOI는 하, 이 bigger moral gap. 지금 company 앞에 gap 약간 use 그러 리에 bigger moral gap, inner gap. 아픈 게 이상 이거 태우네, 뭐 false 그래, 태우 false. But the NOI theorem, 이게 나의 use 대학 그. Big more getting capital, KO जो है आपका ये constant रहता है। तो इसी जगह सर MM theorem में तो short में हम use कर सकते हैं वाले MM theorem। तो देखते हैं MM theorem क्या कहती है। तो MM theorem, तो state से get, से big more get जब आप ज्यादा क्या की यूज कर रहे हैं कैपिटल में बिग मोर गेट इन योर कैपिटल तो केओ इज कॉन्स्टेंट केओ आपका जो है कॉन्स्टेंट मिला है इन लॉन्ग टर्म पर इसको वेरीफाई करने के लिए एमएम ने अपनी जंक्शन दी है वो देखते हैं कि जंक्शन क्या है पहले Assumptions occur MM theorem. तो main जो assumptions हैं इनकी number one है. तो अब हम जो start करेंगे, there are two firms. ये से दो firms हैं. And one firm let us say deciding कि A, second is B. इन्होंने assume किया कि एक firm है आपकी unlabeled. So suppose A is unlabeled firm. अनलिबल क्या होता है अनलिबल होता है जिसमें कोई गैप नहीं है नो गैप कोई लोन नहीं है कोई प्रेफरेंस नहीं है कोई डिबेंचर नहीं है इट मीन्स सिर्फ 100% आपकी इक्विटी है कि जब हम डेट यूज करते हैं अपनी कैपिटल में उसको हम ये भी कहते हैं लीवरेज ये कैरम होती है लीवरेज इट मीन्स यूज ऑफ डेट इन कैपिटल जब अपने कैपिटल में डेट यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लीवरेज तो इसमें कोई डेट ही नहीं है इसलिए इसका नाम है अनलीवर्ड फर्म और जो बी फर्म है एक हमने लिए लीवर्ड फर्म इसमें जो लीवर्ड फर्म में कुछ डेट है आपका है भी डेट ठीक है पहली एक्सेप्शन है कि गैर टू फर्म से वन इज लीवर्ड फर्म और एक है अनलीवर्ड फर्म लेबल को आप शो कर सकते हो एल से और अनलेबल को आप शो कर सकते हो यू एल से तो सेकंड जो एग्जांपल है सो इनिशियली तो एमएम फर्म कहती है कि जो इनिशियली है आपकी तो वैल्यू जो है आपकी बिटवीन योर लेबल फर्म इट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलेबल फर्म तो अगर शुरू में जो लेबल फर्म की वैल्यू है वो आपकी ज्यादा होती है बिकॉज इसका रीजन क्या है बिकॉज जो हम इसमें गेट यूज कर रहे हैं बिकॉज गेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस वो आपका चीपर सोर्स है चीपर सोर्स में जो केजी है गेट इज लेस देन केजी तो इनिशियली वैल्यू आपके लीवर की ज्यादा है बट नंबर थर्ड एग्जांपल तो थर्ड एम एम फर्म के कैसे बट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं ये अप्लाई आर्बिट्रेज प्रोसेस इन्वेस्टर्स क्या करते हैं इसमें एक आर्बिट्रेज प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो आर्बिट्रेज का सिंपल मीनिंग क्या होता है वैसे आर्बिट्रेज मीन्स टू बाय एट लो प्राइस वो सिंपल मीनिंग है कि आप लो प्राइस पर बाय करते हैं कोई भी आइटम है एंड सेल एट हाई प्राइस उसको सेल करते हैं हम एट हाई प्राइस के
इसको हम आर्बिट्रेट कहते हैं। पर इस केस में क्या है, अब आपने देखा वैल्यू फर्म जो है लीगल फर्म की वैल्यू ग्रेटर है आपकी देन अनलीगल फर्म, तो वेयर फॉर आर्बिट्रेट हियर मींस शेयर होल्डर। सो स्टार्स सेलिंग शेयर्स ऑफ लीगल फर्म एंड बाइंग शेयर्स ऑफ अनलीगल फर्म, क्योंकि जो लीगल फर्म है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो शेयर होल्डर क्या करता है वो उसके शेयर को सेल करना शुरू कर देता है, और जो अनलीगल फर्म है UL उसकी वैल्यू कम है उसको वो बाय करते हैं। इट मीन्स वो सेल कर रहे हैं हाई रेट वाले शेयर को और वो बाय कर रहे हैं लो रेट के शेयर को। तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, तो अब इससे इफेक्ट क्या होगा, एक लीगल फर्म है और एक अनलीगल है, तो इसके शेयर आप सेल कर रहे हैं सेल और अनलीगल की अब आप बाय कर रहे हैं। तो इट मीन जब आप सेल करेंगे देयर विल बी मोर सेलिंग प्रेशर, तो प्राइस इसका फॉल करेगा, प्राइस फॉल से जब आप बाय करेंगे तो इसमें आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, यदि मोर डिमांड फॉर दीज शेयर्स है तो इसका वो प्राइस है वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। इतने अगर एनम थे कोई पॉइंट है ना यहाँ पर दोनों का प्राइस इक्वल हो जाएगा, बट एक इक्विलिब्रियम प्राइस उसको लिखते हैं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो एक पॉइंट आएगा आपका जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, तो प्राइस है वो आपका सेम है। इनका लॉन्ग टर्म अब आप जो लीगल फर्म है और अनलीगल फर्म दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इट मीन्स लेट अस सी व्हाट इज द एनएम थ्योरम केस, वेयर फॉर एनएम थ्योरम केस गेट टू इन ए लॉन्ग टर्म वेगर ऑफ फर्म यूजिंग गेट क्या आप क्या यूज कर रहे हैं अपने कैपिटल में गेट और लॉन्ग, क्योंकि वैल्यू जो है आपकी वो सेम है, वैल्यू ऑफ फर्म फंक्शन इट मींस इन ए लॉन्ग टर्म यू कैन से गेट वैल्यू लीगल फर्म बिकम वैल्यू ऑफ अनलीगल फर्म। पर जब तक ये इक्वल नहीं होंगी, जब तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जिसका नाम है आर्बिट्रेट प्रोसेस, और इस तरीके से इन्वेस्टर को कुछ बेनिफिट मिलेगा। इट मीन्स थ्रू आर्बिट्रेट प्रोसेस तो आप कह सकते हैं बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट इन्वेस्टर मेक्स प्रॉफिट, और कैसे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन तो आपने दो फर्म ले ली है, एक हम ले रही हैं लीगल फर्म और एक है आपकी अनलीगल फर्म। तो आपने लिया कैपिटल स्ट्रक्चर में 12% गेट, तो लीगल फर्म में सपोज आपका गेट भी है 3 लाख, अनलीगल में कोई गेट नहीं है, बैलेंस इज अवर इक्विटी। सपोज लोकल इक्विटी आपकी 2 लाख है और इलाका है आपकी 5 लाख, सो गैट जो कैपिटल है ये आपका सेम है जिसमें नहीं हुई 5 लाख। आपको डेटा क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ROI दी है आपको, जैसे आपने ली थी पहले 20% और यही आपको दी है स्कोर भी 16%। तो पहले कैलकुलेट कीजिए कैपिटल के ऊपर कितनी इनकम है आपकी EBIT की, इसका फॉर्मूला था कैपिटल इनको ROI 20% दिस इज 1 लाख, इसमें से आपको डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, लीगल के केस में इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए 12% होम थ्री 36, अनलीगल फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा PBT
4 is 64,000 and 1 lakh. इससे आप इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका फार्मूला है आपका पीवी के लिए फॉर्म की है आपके पास 16% 64,000 डिवाइडेड बाय 16% जिसमें लीजिए अगर 4 लाख एंड 1 लाख डिवाइडेड बाय 16% तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 16% दिस इज 6.25. अब इसमें डेट ऐड कर दीजिए आप 3 लाख का डेट है आपका लीगल फर्म में और इसमें कोई डेट नहीं है तो टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी वैल्यू फर्म जिसे बनेगी 7 लाख 625. अब देखेंगे कि इनिशियली जो है लीगल फर्म की वैल्यू ज़्यादा आ रही है आपकी तो आर्बिट्रेरी प्रोसेस अप्लाई हुए हैं वो देखेंगे तो वैल्यू ऑफ लीगल फर्म में जो मोर देन वैल्यू ऑन लीगल फर्म. तो हम ले रहे हैं आर्बिट्रेरी प्रोसेस उसके लिए यूज करते हैं सपोज देयर इज वन शेयर होल्डर जैसे ए तो हु हैड सपोज 10% टू इक्विटी शेयर्स तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10% इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ लीगल फर्म एल फर्म में. देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है लीगल फर्म में बट इज पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर इन लीगल फर्म. उसके बाद देखो 10% शेयर हैं तो जो इसकी इक्विटी की वैल्यू है विच इज 4 लाख उसमें भी उसका शेयर है उसका जो शेयर आएगा इक्विटी में शेयर इन इक्विटी जैसे कि 4 लाख की टोटल इक्विटी है और उसका शेयर है 10% जिसे जो 40 हो गए तो ये शेयर इतने कर लिए सेल वीडर सोल उसमें ये मनी उसको रिसीव हो गई. पर जो हम कहते हैं वो भी शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी का डेट है उसमें भी उसका शेयर होता है उतना ही उतना परसेंट रिस्क उसको भी बियर करना पड़ता है. अब इसमें कोई लीगल फर्म में रिस्क है पर यहाँ पर ऐसे कोई रिस्क नहीं इसमें आपका रिस्क है 40,000 पर इसमें कोई रिस्क नहीं है. अब हमसे शेयर सेल कर लिए तो देखते हैं शेयर सेल करके ये मनी उसको रिसीव होगी इसका नाम रख लेते हैं कैश इनफ्लो ये इसको मनी रिसीव हो जाएगी 40,000. तो इस 40,000 पे देखो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा था उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में शेयर इन प्रॉफिट तो इस कंपनी का प्रॉफिट है 64,000 तो नेचुरली है 64 में उसका भी शेयर है 10% जैसे कि 64. अब आर्बिट्रेरी प्रोसेस क्या था कि लीगल फर्म के शेयर सेल कर दो उससे जो मनी आएगी उसको इन्वेस्ट कर दो अनलीगल फर्म में. तो देखते हैं इन्वेस्टर की क्या पोजीशन होगी अनलीगल फर्म में ये थी आपकी लीगल फर्म है. तो लीगल फर्म के शेयर सेल किए उसके बारे में करनी है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर तो अपने शेयर सेल कर दी है उससे मनी आ गई है तो आप मेंशन कर दीजिए बट इज सेल प्राइस कितना है आपको ऑफ इक्विटी ऑफ लीगल फर्म जैसे 40,000. एक पॉइंट है कि अब आप लीगल फर्म से अनलीगल में शिफ्ट कर रहे हैं अनलीगल में कोई रिस्क नहीं है बट लीगल में रिस्क था आपका उसमें डेट का भी हमारा रिस्क था तो आप उतना ही डेट आप बोरो कर लीजिए. तो आपने यह करना है इसको हम कहते हैं पर्सनल लीवरेज. पर्सनल लीवरेज मीन्स इन्वेस्टर जो है वो बोरो करेगा अब इन्वेस्टर विल बोरो इक्वल टू इज शेयर इन डेट जितना उसका शेयर है डेट में उतना अमाउंट आपको बोरो करना है. तो आप देखिए कितना डेट था लीगल फर्म का 3 लाख उसमें उसका शेयर था 10%. तो इतनी मनी आप यहाँ बोरो कर लीजिए उसका नाम है पर्सनल लीवरेज. तो इस तरीके से अब आपके पास टोटल फंड्स आ गए 70,000 जी आर टोटल फंड्स जी आर एलिमेंट. अब इस मनी को आप इन्वेस्ट कर दो अनलीगल फर्म में तो वहाँ से देखते हैं कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा. इट मीन्स यू इन्वेस्ट दिस इज 70,000 इन अनलीगल फर्म और अनलीगल में क्या है सिर्फ इक्विटी है कोई डेट कोई है नहीं आपका उसमें ये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा इन इक्विटी में.
तब देखिए आपको वहां से कितना प्रपोर्शनेट प्रॉफिट मिलेगा, प्रपोर्शनेट इनकम। इस केस में इनकम है आपकी 1 लाख इक्विटी की, एंड किसी फॉर टोटल इक्विटी शेयर हो गया उनकी वैल्यू है 625 और आपके पास है 70,000। मीन्स यूनिकली मैटर अप्लाई हो जाएगा, हाउ मच इनकम यू विल गेट ऑन 70,000 रुपीज इफ टोटल इनकम इज 1 लाख ऑन 625। सो 1 लाख डिवाइड बाय 625,000 इनटू 70,000 ये टोटल इनकम आ रही है आपकी 11,200। अब अपने को पर्सनल लीवरेज जो मींस इन्वेस्टर ने बोरो इक्वल टू ही शेयरिंग डेट, अब जो मनी बोरो की है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेम, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 12% वो माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लीवरेज या पर्सनल डेट भी कहते हैं उसको। अब देखो कितना मिलेगा आपका इंटरेस्ट, तो आपने बोरो किया 30,000 और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 12% 36 ही, तो इतनी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 76,000। पहले कितना था 64, इट मीन्स नाउ वी आर मेकिंग प्रॉफिट। तो ये जो डिफरेंस है इसका नाम है आर बी क्रिएटिव प्रॉफिट। इतनी आर बी क्रिएट प्रॉफिट है 76 माइनस 64 टू 100 डेट इज इक्वल टू 12,000। तो ये इसको हम लेके आर बी क्रिएट, इतने हर इन्वेस्टर जब इसी प्रोसेस को अप्लाई करेगा टू मेक सम प्रॉफिट तो एक पॉइंट आएगा जब ये प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा उसका नाम है इक्विलिब्रियम पॉइंट और दोनों फर्म की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये आर बी क्रिएट प्रोसेस जो है एक दूसरे तरीके से भी हम अप्लाई करते हैं। तो सेकंड मेथड ये है, देखिए आप सेम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, हमारा क्वेश्चन है कि बाकी जो आर बी क्रिएट प्रोसेस इसको लेते हैं आर बी क्रिएट प्रोसेस टू अर्न सेम प्रॉफिट। बस अब जो पैसे हैं आपके पास 70,000 वो फुल मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ओपन कर लेंगे उसको, क्योंकि प्रॉफिट सेम रखना है आपने। तो पहले आप इसमें कैलकुलेट करो बटी डिजायर प्रॉफिट, अब आपको कितना मिलना चाहिए डिजायर प्रॉफिट रोम अनलीवर जो फर्म से। तो लीवर फर्म में आपको प्रॉफिट मिल रहा था 64,000, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो फ्रॉम लीवर फर्म से और प्लस जो आपने पर्सनल लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी आपने रिकवर करने वो भी ऐड कर दो, प्लस इंटरेस्ट ऑन पर्सनल गेट। तो मीन्स कम से कम आपको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए देखिए 64,000 और प्लस हमारा इंटरेस्ट मिलना चाहिए 36, तो उसमें टोटल आपको चाहिए 10 होगी। अब आप कैलकुलेट करो इसके लिए कितनी मनी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसका नाम है डिजायर इन्वेस्टमेंट यू हाउ मच डिजायर इन्वेस्टमेंट इन अनलीवर्ड फर्म। हमने देखा जैसे अनलीवर्ड फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना था 1 लाख, अब आप कर यूनिटी मेथड तो 1 लाख प्रॉफिट के लिए आपको टोटल इक्विटी बाय करनी पड़ेगी 625 की, पर आपको उतना चाहिए प्रॉफिट 10,000, तो 10,000 के लिए आपको कितनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जैकि 625 के लिए। इटमीन्स अब इसमें कितने पॉइंट्स क्या होगा 70, तो उसमें से इन्वेस्ट किए 625 में, बाकी आपके फंड की सेविंग हुई। इटमीन्स अब आपका पास दूसरा अल्टरनेटिव था कि आपने फंड्स कितने सेव किए, सेविंग इन फंड्स थ्रू आर्बिट्रेज। आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं 70,000 है और आपको इन्वेस्ट करनी है 625, आपके 75,000 के फंड्स से सेव हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं आंसर, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे पूछा है, या आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लिया या कुछ फंड सेव कर लिए प्रॉफिट आपका सेम रखना है, ये दो मेथड हैं आर्थिक के लिए। फिर आखिर फोर्थ थ्योरम कैटेगरी इज क्वाइट सिंपल, तो जिसमें कहा गया कि ट्रेडिशनल थ्योरम ये जो थ्योरम है ना ये बेस है जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम देखते हैं इसमें तीन स्टेजेस होती हैं आपकी 1
टू एंड थ्री, ये आपकी पहली पेज है, सेकंड पेज है और नंबर थर्ड है। तो इसमें जैसे जैसे प्रोग्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारी जो कॉस्ट होती है इनिशियली पहले वो फॉल करती है, फिर कुछ कॉन्स्टेंट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर वो राइजिंग में शुरू होती है जिसको हम कहते हैं एवरी कॉस्ट। तो उसी के बेस पर आपकी ये ट्रेडिशनल थ्योरम है, वो देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरम क्या कहती है। तो एज पर ट्रेडिशनल थ्योरम उसने भी ये लिया है, देयर आर थ्री स्टेजेस, तीन स्टेजेस है आपकी। नंबर वन देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो ट्रेडिशनल थ्योरम जाती है पहले स्टेज में कि आपकी जो के डी है और के बी, ये दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं, और जब आप धीरे धीरे गैट इंक्रीज करते हैं कैपिटल में डू टू मोर गैट, तो के वो फॉल करती है आपकी, डू टू मोर गैट अगर के वो फॉल। ठीक है, के जी के ही कॉन्स्टेंट है, तो जब आप डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज करोगे कैपिटल में तो के जी अब चीपर सोर्स है फाइनेंस का, वो तो नॉर्मल एजम्पशन है हमारी कि जो के जी है इज ऑलरेडी लेस देन के जी, इसलिए अगर आपकी जो के ओ है वो फॉल करनी शुरू हो जाती है। तो अब पहली स्टेज क्या होती है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है आपकी ये काफ़ी लो है, जैसे टू रेशियो वन से भी कम है, एक हमारा स्टैंडर्ड रूल होता है डेट इक्विटी रेशियो का टू रेशियो वन, इससे भी काफ़ी कम है, उसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज मीन्स जब आपकी डेट इक्विटी रेशियो अप्रोक्सीमेटली टू रेशियो वन है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो के जी है के जी को कॉन्स्टेंट रहेगी, बाकी जो के जी है डेट इक्विटी रेशियो ऑप्टिमम मीन डेट आपका डबल हो गया इक्विटी से, अब इससे इक्विटी को भी थोड़ी रिस्क राइज हो जाता है, तो जो के जी है वो थोड़ा सा राइज करना शुरू कर देती है, स्टॉल से राइजिंग ड्यू टू उसका रीजन क्या है, हाई रिस्क, क्योंकि कंपनी में डेट ज़्यादा हो गया आपका, रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। जब के ही राइज होगी के ही कॉन्स्टेंट है, तो अब देखो जब आप डेट ज़्यादा यूज करोगे तो इसका कोई बेनिफिट था, बेनिफिट ऑफ डेट, बेनिफिट ऑफ डेट वो ऑफसेट हो जाएगा आपका, ऑफसेट बाय हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपने डेट ज़्यादा यूज किया उससे कॉस्ट कम होनी चाहिएगी, तब अगर के ही राइज होगी तो उसका बेनिफिट उतने कैंसिल कर देंगे, तो इसीलिए जो के है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है आपकी। और थर्ड स्टेज होती है जब हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो इज वेरी हाई, वो टू रेशियो वन से भी ज़्यादा हो गई, अब इसका मतलब है कि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है, उससे रिस्क इंक्रीज हो गया हमारा, केजी है कि के हाई रिस्क, रिस्क का मतलब क्या था कि आपने डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है वो फिक्स है आपका, प्रॉफिट इतने नहीं है आप इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, तो जब रिस्क ज़्यादा होगा अब ये दोनों ही राइज होना शुरू हो जाएंगे, वो तो राइज, जब दोनों राइज करेंगे तो आपकी के ओ जो है वो भी राइज करेंगे, के ओ आल्सो राइज। उसको देखते हैं डायग्राम से हम कैसे शो कर सकते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरम उसका एक डायग्राम बन जाता है, यहाँ पर जैसे आपने लिया सेंटर में डेट टू इक्विटी रेशियो आपकी ऑप्टिमम है, टू रेशियो वन एक रखा आपने जब इसके नियर अबाउट है, उससे जब कम होगी ये आपकी बन गई पहली स्टेज, और स्लाइटली हायर है जिसे जो सेकेंड स्टेज, और ये है आपकी थर्ड स्टेज। अब जो के जी है आपका, के जी आपने देखा कि कॉन्स्टेंट है क्या सेकेंड स्टेज, के जी को शो कर दो आप कॉन्स्टेंट, उसके बाद धीरे धीरे ये राइज होना स्टार्ट हो जाता है स्लाइटली, क्योंकि ये भी राइज है। फिर जो के ही है, के ही आपने देखा के ही कॉन्स्टेंट था पहली स्टेज में, बाकी राइज हो गया था सेकेंड स्टेज में, यानी जो के ही इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना शुरू कीजिए, यानी कि राइज शार्पली किसी भी के ही। अब जो के ओ है जब डेट आपका जीरो है इस पॉइंट पर, तो इनिशियली के ही कैसे होते हैं वो के ओ आप देखेंगे, ये पहले फॉल करते हैं आपका, यानी कि बिकम्स कॉन्स्टेंट कुछ टाइम के लिए, जब आपका डेट इक्विटी रेशियो अप्रोक्सीमेटली टू रेशियो वन है, देन इट विल स्टार्ट टू राइज, उसके बाद आपका धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट होता है।
किसी और एक ट्रिगिश में जो है नोट कर दीजिए, नोट कीजिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सो मैनी क्वेश्चन आर गिवन है, आप उस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, गेट मी यू फ्री लिंक में आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यू कैन ऑल्सो बाय बुक बाय मी, और उसका भी डिस्क्रिप्शन है अवेलेबल है। थैंक यू।